जिंदगी में ना चट्टान की तरह खड़े रहो, जिस प्रकार हिमालय पर्वत चट्टान की तरह, ना आंधी से डर होता है ना पानी से डर होता है, उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिंदगी में याद रखना, तुम चट्टान की तरह खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें मुसीबत, जिस प्रकार आंधी और पानी बड़े बड़े पेड़ों को वृक्षों को गिरा देते हैं, लेकिन उसमें से मजबूत जो होते हैं पहाड़ की तरह चट्टान की तरह खड़े होते हैं, उसे बिगाड़ नहीं पाते, हिला भी नहीं पाते। उसी प्रकार एक मनुष्य को जो सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है, गिरा सकता है, विनाश कर सकता है, खत्म कर सकता है, वो है मुसीबत। और मुसीबत को सामना करने के लिए तुम्हें चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ेगा, चट्टान की तरह तुम्हें बनना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जिंदगी में तुम्हारे उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य को पूरा करना जरूरी होता है। जिंदगी में लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य को पूरा करो, चाहे कुछ भी हो जाए उद्देश्य की ओर बढ़ो, और उद्देश्य ही तुम्हें जीत दिलाएगा, उद्देश्य ही तुम्हें पूरा करने और तुम्हें मंजिल का राह दिखाएगा। जब ठोकर लगने पे ना, बहुत लोग गिर जाते हैं, थक जाते हैं, अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं, क्या तुम उनमें से एक हो, या उनमें से एक हो जो मुसीबतों का सामना करते हुए, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए, हर चुनौतियों का सामना करके वो आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तुम्हें कितना भी दुख हो, दर्द हो, तुम्हें लोग सताए, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं हो, साधन नहीं हो, पैसे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि अगर है, तुम्हारे पास अगर बहुत बड़ा शक्ति है, तो वो है तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा। तुम अपने इरादे को मजबूत करो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा सफल होने से, तुम सफल हो जाओगे, तुम्हें सफलता मिल जाएगी, पागल बन जाओ। हाँ, सफल हो जाने के बाद तुम जिंदगी में सबको आदर करना सीखो। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सफल हो गए तो पूरी दुनिया को भुला जाओ। तुम्हें पूरी दुनिया के लिए आगे बढ़ना है, दुनिया को सेवा करना है, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हैं, तुम्हें सफल होने हैं, तुम्हें अपने उद्देश्य पूरा करना है, उसके लिए हर मुसीबतों को सामना करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिंदगी में याद रखना, तुमने कितनी सीढ़ी चढ़ी, तुमने कितनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए हो, ये मतलब नहीं रखता, लेकिन तुमने कितनी कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए कितनी सीढ़ियां तुमने ऊपर चढ़ा है, ये मायने रखता है।